गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 5 द एंट्स। ओके, वी हैव कंप्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3। ओके, आई थिंक पार्ट 2 में हमारा कम आउट एट द टॉप यहाँ तक हुआ था, उसके आगे हम पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट करते सच बिहेवियर से। सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस ऑफ एंट्स हैज़ बीन नोटिस्ड एंड स्टडीड बाय मैनी। तो इस प्रकार का बिहेवियर और इस प्रकार की जो कुशलता है वो काफ़ी लोगों के द्वारा नोटिस की गई है और उसके ऊपर काफ़ी स्टडी भी की गई है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट एंट लाइफ। तो अब साइंस जो है, विज्ञान ने चींटियों के जीवन पे काफ़ी कुछ खोज निकाला है, विच सीम टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रिएचर्स इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो डिस्कवर किया उस पर से उन्होंने ये पता लगाया है कि जो ये छोटी सी जो क्रिएचर हैं, इनकी जो बुद्धिमत्ता है, इनका जो इंटेलिजेंस होता है, वो हम मनुष्यों की तरह ही बिल्कुल मिलता जुलता इंटेलिजेंस होता है, यानी कि काफ़ी बुद्धि चातुर्य इनका तेज होता है। नॉट ऑल द साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, लेकिन सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना नहीं है, सभी का ऐसा मत नहीं है। बट यू मे लुक एट सम ऑफ दिस फैक्ट्स एंड फ्रॉम योर ओन ओपिनियन। ठीक है, लेकिन आप कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ओके, उसे आप देख सकते हो और अपना खुद का एक ओपिनियन बना सकते हो। दीज आर द एंट्स दैट डू फार्मिंग। तो यहाँ पर जो एंट्स है वो क्या करती है, फार्मिंग यानी कि खेती करती है। यू मे नो दैट इट वॉज अ बिग लीप फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस वैन मैन गेव अप बींग इन फुल टाइम हंटर एंड टू फार्मिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी प्रगति का विषय था कि जब इंसान ने शिकार छोड़ करके खुद खेती करना शुरू कर दिया था। सीमिंगली बिल्कुल उसी प्रकार से द अम्ब्रेला एंट्स ऑफ साउथ अमेरिका हैव टेकन द सेम स्टेप इन देयर स्मॉल वे। तो जो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाली जो चींटी है, अम्ब्रेला एंट्स कहा जाता है उसे, तो वो भी इसी प्रकार से कुछ छोटे स्टेप्स करती है, यानी कि खेती करती छोटी मोटी। दे आर कॉल्ड बाय द नेम, वो उनके नाम के ऊपर से कही जाती है, ओके, जो अम्ब्रेला एंट्स है वो उनके नाम के ऊपर से फेमस हुई। किस प्रकार से, क्योंकि उस प्रकार से दिखती भी है, बिकॉज दे आर ऑफन सीन कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ ओवर देयर हैट्स लाइक अम्ब्रेला, क्योंकि वो हमेशा क्या करती हुई दिखाई देती है, जो बड़े पत्ते होते हैं वो बड़े पत्ते को अपने सर के ऊपर ले करके जाती हुई, मतलब कि उसका जो वजन है वो अपने ऊपर उठा करके लेके जाती हुई दिखाई देती है। दे टेक दीज पीसेस ऑफ लीफ इन देयर नेस्ट, तो वो क्या करते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों के जो टुकड़े होते हैं, उन्हें अपने नेस्ट यानी कि जो उनका बिल होता है, जो एंट हिल होता है, उनके घोंसले में ले जा करके रखते हैं। When they chew them up nicely, उसके बाद वहाँ पर वो क्या करती हैं, उसको चारों तरफ से अच्छे से उसको चबाती हैं। Afterwards they make beds of these chewed up leaves, उसके बाद क्या करती हैं, ये जो पत्तियाँ होती हैं उनको लोग चबा लेती हैं, तो उसके बाद चारों तरफ क्या करती हैं, उसकी क्यारी बना देती है चारों तरफ से। On these beds grow a kinds of fungus which is food for ants, तो उसके बाद क्या होता है, जहाँ जहाँ उन्होंने चबाया होता है और जो क्यारी उन लोगों ने बना दी होती है, यानी चारों तरफ जो इकट्ठा करके जमा करके रख दिया होता है, उसके अंदर क्या होने लगते हैं, फिर फंगस होने लगते हैं, और ये जो फंगस होता है वही चींटियों का क्या हो जाता है, भोजन, यानी एक प्रकार से ये उनकी खेती कही जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।